हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग थर्मोकेमिस्ट्री हम बात कर रहे थे वेरियस टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस और एंथेल्पीज ऑफ रिएक्शंस कई तरह की एंथेल्पीज के बारे में हम बात कर चुके हैं चलो फर्दर uh, मूव करते हैं मेरे ख्याल से कितने हो गए थे टाइप्स uh, uh, नंबर देख लेंगे एक बार जो भी होगा चलो सेवन लेटस टॉक अबाउट एंथेल्पी ऑफ हाइड्रेशन एन्थैल्पी ऑफ हाइड्रेशन तो एन्थैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डेल्टा एच हाइड्रेशन एन्थैल्पी एचई बोल देंगे उसको अब एन्थैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब आ, वैसे तो एन्थैल्पी ऑफ सॉल्वेशन वर्ड होता है सॉल्वेशन में एनी सॉल्वेंट यू डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूट बट मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इज वाटर तो हम एन्थैल्पी ऑफ हाइड्रेशन यूज कर रहे हैं जनरल टर्म होता है एन्थैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तो जनरल टर्म होता है एंथेल्पी ऑफ सॉल्वेशन तो हम हाइड्रेशन यूज कर रहे हैं यहां पर तो इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं ए फॉर आयंस। फॉर आयंस इट इज द एंथेल्पी चेंग वेन 1 mole of gaseous ion is dissolved in excess of water. So, it is the enthalpy change when 1 mole of the gaseous ion is dissolved in excess of water to form hydrated ions to form. हाइड्रेटेड आयन्स अच्छा आयंस का हाइड्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा ऑलवेज एक्सोथर्मिक ऑलवेज एक्सोथर्मिक जैसे एग्जाम्पल लें हाइड्रेशन ऑफ आय का जैसे सोडियम आयन है वन मोल ऑफ गैसियस आयस लें साइक्योमेट्रिक ऑब्शन वन लिखा है तो वो वन मोल ही अंडरस्टूड होगा एज पर द रिएक्शन एंड इट इज डिजोल्ड इन द एक्सेस ऑफ वाटर So, it forms Na plus aqueous. So, here the enthalpy change would be what? Enthalpy of hydration. Kiska? Na plus gas ka. Asi Cl minus gas hai, NiN, 1 mole linge. And this is converted into Cl minus aqueous. So, whatever energy is released out is called hydration energy. And that is Cl minus aqueous. गैस इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं हमेशा एक्सोथर्मिक होगा क्यों एक्सोथर्मिक होगा जब आयंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आयन डाइपोल विल डेवलप आयन डाइपोल अट्रैक्शन स्ट्रॉग फोर्सेज हालांकि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ही है ये बट उसमें भी ठीक ठाक अच्छे फोर्सेज होते हैं एंड एनर्जी रिलीज आउट वन द स्ट्रॉगर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड तो लाइक दैट यू से ऑफ हाइड्रेशन फॉर आयंस बी फॉर सॉलिड्स तो फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मोस्टली आयनिक सॉलिड्स तो इसके लिए एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है तो इट इज दैन थेल्प चेंज ट इज धन थेल्प यू चेंज वेन वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड अच्छा आयनिक सॉलिड की जगह हो सकता है क्रिस्टलाइन कोई और सॉलिड भी ले लें क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मिक्सड विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वॉटर िक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वॉटर टू फॉर्म पार्शली हाइड्रेटेड और कंप्लीटली हाइड्रेटेड सॉलिड सॉलिड ध्यान रखें प्रोडक्ट क्या होना है इसमें सॉलिड तो सॉलिड शुड कन्वर्ट इंटू सॉलिड उंट ऑफ पानी ना मिलाए सोल्यूशन बना सकता है हाइड्रेट सॉलिडर एंथेल्पी चेंज इज इज कॉल्ड एंथेल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सॉलिड एग्जाम्पल लेते हैं देखो आपको यह बात बहुत कॉमनली पता होगी कि कॉपर सल्फेट एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग सबस्टेंस है ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है सॉलिड लेना था सॉलिड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है ये वाइट क्रिस्टल्स होते हैं वाइट क्रिस्टल्स एक मोल में फाइव मोल वाटर मिलाओ एच टू वो लिक्विड तो आप जानते हो दीज क्रिस्टल्स बिकम ब्लू इन कलर बन जाएगा सी यूएसओ फोर डॉट फाइव एच टू ओ सॉलिड तो ये ब्लू क्रिस्टल्स हो गए तो इस रिएक्शन में जो एंथेल्पी ऑफ रिएक्शन होगा डिल्टा एच आर वुड बी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सी यू सो लाइक दैट यू विल डिस्क्राइब और एग्जाम्पल लो एक कॉमन जैसे अनदर डिहाइड्रेंट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड टू मोल ऑफ वाटर इट विल गेन टू फॉर्म सी एस सी एल टू डॉट टू एच टू ओ solid again enthalpy of reaction would be equal to hydration and enthalpy of CaCl2 solid so like that you can describe so this enthalpy of hydration uh, energy may be released or may be absorbed so process may be may be endothermic or exothermic may be endothermic or exothermic अच्छा ध्यान दो ये बात मैं यहाँ पे मैंने न, आ, भी किया था आयंस को अगर आप पानी में डिजोल्व कर रहे हैं और एक्सेस ऑफ वाटर में डिजोल्व करके सोल्यूशन बना रहे हैं एक्वस आयंस बना रहे हैं तब तो क्या एंथेल्पी ऑफ हाइड्रेशन बट सॉलिड्स में एक्सेस ऑफ वाटर नहीं मिलाना है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिलाने के बाद किसी सॉलिड को पार्शियली हाइड्रेटेड या फुल्ली हाइड्रेटेड सॉलिड में कन्वर्ट करने में जो भी एनर्जी रिलीज या याब्सॉर्व होगी दैट इज कॉल्ड ऑफ ऑफ हाइड्रेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड ट यू विल से इट तो ये था एंथेलपी ऑफ हाइड्रेशन। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टर्म लेंगे ये सेवेंथ नंबर था तो नाउ एट एंथेलपी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा एच एसओएल बोल सकते हैं इसको सॉल्यूशन। Of यही कैल्शियम क्लोराइड है मान लो इसमें आपने एक मोल में दो मोल एच टू मिलायान हुआ हाइड्रेटेड सॉलिड ये हाइड्रेटेड सॉलिड कहलाएगा तो ये कहलाया भर के पानी डाल दो इसमें एक मोल में

लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दें वट एवर एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंथेल्पी ऑफ सोल्यूशन किसी सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए डिफाइन कर सकते हैं एंथेल्पी ऑफ सोल्यूशन तो क्या डेफिनेशन इट इज द एंथेल्पी चेंज वेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड ध्यान दो वो कंपाउंड में भी सॉलिड और लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है वो तो इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ द कंपाउंड इज डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन अगेन मे बी एंडोथर्मिक कुछ भी हो सकता है वैसे मोस्टली ऑफ ऑफ सॉलिड्स आयनिक सॉलिड्स आर एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इन वाटर इज एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन ऑफ मोस्ट गैसेज इन वाटर इज एक्सोथर्मिक ये जनरल होता है बट हमें तो अभी एनर्जेटिक्स की बात कर रहे हैं हम तो वो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ होगा तो अकॉर्डिंगली वो बात पता होगी या जब कैलकुलेशन करेंगे तो साइन के साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा तो इट इज एनथेल्पी चेंज वन मोल ऑफ ए कंपाउंड मे बी सॉलिड और और लिक्विड गैस इज इन द एक्सेस ऑफ वाटर टू फॉर्म तो ये कहलाएगा एंथेल्पी ऑफ सोल्यूशन जिस एग्जाम्पल एच सी एल गैस वन मोल लिया एंड इट इज डिजोल्ड इन द एक्सेस ऑफ वाटर तो वो टूट जाएगा इन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में एग्जाम्पल जैसे मान लो यही कॉपर सल्फेट ही ले लो सॉलिड लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर में डिजोल्व कर दिया तो नाउ इट विल डिजोल्व इन टू द सोल्यूशन

प्लस टू सी एल माइनस एक्वस आइन में टूट जाएगा कंपाउंड है तो एनथेलपी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एनथेरपी सो लाइक सी एस सी एल टू तो लाइक दैट वी कैन डिस्क्राइब ये था एनथेलपी ऑफ सोल्यूशन अब ध्यान दो यहीं पे एक और टर्म डिफाइन होते हैं करते हैं इंटीग्रल एनथेलपी ऑफ सोल्यूशन इसी का पार्ट है वो एनथेलपी ऑफ सोल्यूशन का तो इंटीग्रल कम काम में आता है मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा इसके ऊपर आई आई में मेंस में एडवांस्ड में बट बहुत सिंपल से डेफिनेशन है यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल तो लिख भी लेते हैं इंटीग्रल एंथेल्पी ऑफ सॉल्यूशन चलो अपनी तरफ से कोई इसके लिए सिंबल डिफाइन uh, कर देते हैं डेल्टा एच आई ई एस इंटीग्रल एंथेपी ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा एच आई ई एस ये क्या है सॉल्यूशन तो बन रहा है बट ऑफ डिजायर्ड कहने का मतलब क्या हुआ जैसे मान लो यही कॉपर कॉपर सल्फेट सल्फेट था एक मोल मोल में मोल्स मौल, अगर वाटर ऐड किया है आपने तो क्या बना था सीयूएसू सॉलिड ही बना था ना क्या बोला था उस एंथेपी चेंज को एंथेलपी ऑफ हाइड्रेशन आपने बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिला दिया उसी में सीएएस के एक मोल सॉलिड में तो क्या बन गया था सोल्यूशन बन गया था यह लिखा हुआ यहां पर कॉपर टू प्लस एक्वस बन गए और सल्फेट आयन बन गए तो उसमें जो एनथेल्पी चेंज हुआ वो क्या बोला आपने एनथेल्पी ऑफ सोल्यूशनपी ऑफ हाइड्रेशन की एक चीज है एक्सेस ऑफ वाटर वॉज एडेड डोंट मिक्स एक्सेस ऑफ वाटर आप पांच मोल से ज्यादा पानी मिला दो एक मोल कॉपर सल्फेट में पंद्रह मोल बीस मोल पच्चीस मोल थोड़ा ज्यादा तो सोल्यूशन तो बन जाएगा वो घुल जाएगा वो कॉपर टू प्लस सल्फेट आयन तो बनेंगे बट दे विल बी ऑफ डिजायट्रेशन तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिलाए ताकि सोल्यूशन तो बने बट कंसेंट्रेट सोल्यूशन बने देन इट विल बी कॉल्ड इंटीग्रल एनथेरपी ऑफ सोल्यूशन तो लिखो इट इज द चेंज अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी बात इट इज द दी चेंज When one mole of one mole of a compound is mixed in mixed into required amount of water to form. सोल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कंसेंट्रेशन तो इट इज एनथेल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ ए कंपाउंड इज मिक्स विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म सोल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कंसेंट्रेशन ये वर्ड याद रखें सोल्यूशन तो बना है बट ऑफ डिजायर्ड कंसेंट्रेशन इट इज नॉट इनफाइनेटली डायल्यूट सोल्यूशन तो यह कहलाएगा सोल्यूशन डिजायर्ड कंसेंट्रेशन वाले में तो ए, मैं एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ जैसे ये है मान लो चलो यही लेते हैं जैसे ले लेते हैं गैस वन मोल मान लो मैंने दस मोल पानी में डिजोल्व कर दिया लिक्विड तो ये बन गया एच सी एल सोलूशन बन चुका है एचसीएल का एक्वा सोल्यूशन बन गया एच सी एल टेन एच टू और ये एक्वस बन गया आयनों में भी टूट गया ये बट कंसनट्रेट सोल्यूशन है इसको ऐसे लिख दिया मैंने एच सी एल एक्वस है ये। एक्वस एक्वेट में टेन एच टू तो ये कहलाएगा डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा uh, एच आर डेल्टा एच आई एस आईईएस कहलाएगा ये इसे बोल दिया मान लो एक्स किलो जूल परमोल ये वैल्यू आ गई आप एक काम करते इस एच सी एल को एक मोल को बीस मोल एच टू ओ में मिला देते तो सॉल्यूशन थोड़ा डाइल्यूट हो जाता सॉल्यूशन तो बना एच सी एल का आयन तो है उसमें टूटे पड़े हैं एच प्लस एंड सी एल माइनस एक्वस बट मैंने लिख दिया यहां डॉट लगा के भी लिख सकते हो डॉट ट्वेंटी एच टू ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है तो ऐसे में डेल्टा एच आर इज वॉट इंटीग्रल एन ऑफ सॉल्यूशन आई एस और उसमें मान लो वाई किलो जूल ऑब्वियसली मोल। एक्चुअली गैसेस का डिजोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है यूजुअली। एच का डिजोल्यूशन पानी में एक्सोथर्मिक होता है तो लगभग ये माइनस मान लो कुछ माइनस सिक्सटी फाइव है तो ये माइनस सिक्सटी एट हो सकता है तो वो हम एक्स वाई के टर्म्स में ले रहे हैं और मान लो एच सी एल गैस में ट्वेंटी फाइव एच टू वाटर मॉलिक्यूल्स मिला दिए वाटर मोल्स ऑफ वाटर तो ये बन गया एच सी एल एक्व सोल्यूशन तो बन गया बट कंसेंट्रेट सोल्यूशन है ये तो ट्वेंटी फाइव एच टू हो तो यहां भी बोलोगे डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा एच आई एस इंटीग्रल एन ऑफ़ सोल्यूशन ऑफ दिस टू दिस माइनस दैट इज मान लो जेड किलोजूल परमूल ये एक्स वाई जेड आ रहे हैं ये डिफरेंट वैल्यूज हैं तो ये इंटीरियल इंथेल्पीज ऑफ सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ऑफ मच हायर कंसेंट्रेशन लिटिल लेसर कंसेंट्रेशन लिटिल लेसर कंसेंट्रेशन बट यही अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिला दो एच सी एल गैस इंटू एक्सेस ऑफ वाटर, क्या होगा यू विल से इट विल सिंपली एच प्लस एक्व प्लस सी एल माइनस एक्व टूटा पड़ा था वो बट कंसेंट्रेट आय थे सोल्यूशन कंसेंट्रेट था तो हियर यू विल से डेल्टा एच आर वुड बी एंथेल्पी ऑफ सोल्यूशन किसका एचसीएल का एट दैट मोमेंट यू से दोल्यूशन इज इनफाइनाइटली डायल्यूट सोल्यूशन तो सच सोल्यूशन वेयर हीट एब्जॉर्ब्शन या लिबरेशन स्टॉप्स on further on further addition of water is called infinitely dilute solution ये वर्ड बहुत कॉमन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा ये टर्म आयनिक में भी काम आता है ये टर्म इनफाइनाइटली डाइल्यूट भाई आप क्या कह रहे हो मैंने एक्सपेरिमेंट लेके ही बात की है है ये 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 तो एक तरीके से है, ये जो तीनों है पहली वाली ये डेल्टा एच आई एस हो गए डेल्टा एच आई ई एस इंटीरियर एंथेलपी ऑफ सोल्यूशन जबकि ये क्या है एंथेपी ऑफ सोल्यूशन आपने एक मोल एक्सियल में टेन मोल वाटर मिलाया सोल्यूशन तो बन गया बट कंसेंट्रेट है ऑफ डिजायर्ड कंसेंट्रेशन इंटीग्रल एंथेल्पी ऑफ सोल्यूशन इंटीग्रल ऑफ ऑफ सोल्यूशन और पानी मिलाया और एनर्जी लिबरेट हुई मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन एक्स बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पानी मिलाने में के बाद में नो मोर फर्दर एनर्जी विल लिबरेट लिबरेटेड एनर्जी विल बिकम कॉन्स्टेंट और फर्दर डायल्यूशन विल नॉट फर्दर लिबरेट एनर्जी

कि कोई सोल्यूशन है ऑफ हायर कंसेंट्रेशन उसको लोअर कंसेंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो इट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डायल्यूशन तो एंथैल्पी ऑफ ऑफ डायल्यूशन ये सब एक तरीके से असोसिएटेड टर्म्स हैं डेल्टा एच डी आई एल दिल, एंथेलपी ऑफ डायल्यूशन तो डायल्यूशन कर रहे हैं ये सब एसोसिएट टर्म्स हैं ऑफ ऑफ सोल्यूशन तो एनथेलपी ऑफ डायल्यूशन क्या हुआ इट इज एनथेलपी चेंज व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ द हायर कंसेंट्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू द लोअर कंसेंट्रेशन तो लिखो इट इज एनथेल्पी चेंज इट इज एनथेल्पी चेंज वेन When a uh, solution of one mole of solute, solution of one mole of uh, solute is diluted from higher concentration to lower concentration. हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाने पर ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक मूल सोल्यूट था वट एवर एंथेलपी चेंज इज देयर एंथेलपी ऑफ सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लो एच सी एल डॉट एक्वस था ये टेन एच टू ओ कन्वर्टेड टू एच सी एल एक्वस डॉट ट्वेंटी एच टू ओ तो वट एवर एंथेलपी चेंज एनथेलपी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट एनथेलपी ऑफ डायल्यूशन अच्छा कहां से कहां तक वो भी लिखना पड़ता है ऐसे केस में एच टू ओ टेन एच टू ओ एच टू ओ ट्वेंटी एच टू ओ सो लाइक दैट सो दिस इज द कॉल्ड एनथेलपी ऑफ डाइल्यूशन तो ये थे एनथेलपी ऑफ डाइल्यूशन डायल्यूशन एनथेल्पी ऑफ सॉल्यूशन एनथेलपी ऑफ सॉल्यूशन एंड एनथेलपी ऑफ हाइड्रेशन ये सब एसोसिएटेड टर्म्स थे लेट्स डू वन और टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम मान लो एक क्वेश्चन है सर डेटा लेते हैं क्वेश्चन का क्वेश्चन मान लो इस तरीके का लेते हैं ये ले लो एक क्वेश्चन ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और यूजफुल भी है फाइंड एन ऑफ सोल्यूशन ऑफ फाइंड एन ऑफ सोल्यूशन ऑफ एम जी सी एल टू सॉलिड इफ क्या डेटा दिया हुआ है डेल्टा एच बल्कि ऐसे लिखो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एम जी टू प्लस दट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज गैस माइनस वन 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 जीरो और भी दिया हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ऑफ आयन्स की हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है लिखा है आपने क्लोराइड आयन की वैल्यू दी हुई है एंड दैट इज गिवन एज ए डेटा हाउ मच माइनस फोर फोर्टी साथ में यह भी दिया हुआ है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ लेटेस्ट एंडी ऑफ एम जी सी एल टू सॉलिड एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज वन नाइन फोर जीरो किलो जूल पर मोल मान लो ये क्वेश्चन है एंड यू हैव टू सॉल्व इट करो सॉल्व एकदम आसान सा क्वेश्चन है क्या करें एनथेलपी ऑफ सोल्यूशन बताना है तो एक काम करो सोल्यूशन तो बनाओ इसका एम जी सी एल टू को एक्सेस ऑफ वाटर में डिजॉल्व करो तो टूट जाएगा में, Mg2 plus plus aquas, यही तो एक कर तो काम करो लेटेस्ट एनर्जी दी हुई है ना तोड़ दो इसको लेटेस्ट एनर्जी दे करके कितना वन नाइन फोर जीरो किलो जूल दे दो इसको एनर्जी टूट जाएगा आयनो में एम जी टू प्लस गैस प्लस सीएल माइनस गैस बन गया गैसी साइंस इसको डुबो दो पानी में पानी में डुबोगे तो यही तो बनेगा एमजी टू प्लस एक्स एंडर्जी रिलीज आउट हाइड्रेशन एनर्जी और हाउ मच इट गिवन इन द क्वेश्चन जीरो किलोजूल परमोल सीएल माइनस को भी डुबो दो तो दो मोल सीएल माइनस तो मोल कितना था इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी माइनस फोर फोर्टी साइकिल बन गया ये कई बार हम यूज कर चुके हैं अब तक और हैसलॉ अप्लाई कर दो यहां से इन प्रोडक्ट्स पर पहुंचो एक रास्ता ये हो गया दूसरा रास्ता ये दोनों रास्ते में एंथेल्पी चेंज वुड बी सेम दिस इज कॉल्ड है तो क्या कहोगे एंथेल्पी ऑफ सोल्यूशन डेल्टा एच सोल्यूशन विल बी वॉट वुड बी इक्वल टू नाइन वन नाइन फोर जीरो प्लस माइनस वन 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 जीरो प्लस टू इंटू माइनस फोर फोर्टी करना तो सॉल्व नाइन वन नाइन फोर जीरो आठ सौ अस्सी और माइनस ये ग्यारह सौ दस ये हो गया उन्नीस सौ नब्बे यही हुआ ना आठ सौ अस्सी आठ ग्यारह आठ हाँ उन्नीस सौ और नब्बे ठीक वैल्यू कम्स आउट टू भी नाइनटीन फोर्टी पर मोल ये था एनथेलपी ऑफ सॉल्यूशन डेटा के हिसाब से जो भी कैलकुलेट लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट ये तो डेटा है जैसा डेटा के हिसाब से क्वेश्चन आएगा मान लो क्वेश्चन ऐसा हो हाँ इसमें वो एक डेटा का यूज आएगा जो हमने एनथेलपी ऑफ फॉर्मेशन में पढ़ा था क्या अभी देखेंगे मान लो ये कहा क्वेश्चन ने कि फाइंड एन थेलपी ऑफ सोल्यूशन फाइंड एन थेलपी ऑफ सोल्यूशन ऑफ एच सी एल गैस इफ क्या दिया हुआ है डेल्टा एच एफ दिया हुआ है फॉर एच सी एल गैस

माइनस वन सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर फोर यह है क्वेश्चन करो सॉल्व इजी क्वेश्चन स्टैंड एनथेरपी ऑफ सोल्यूशन बताना है तो सोल्यूशन तो बनाओ एच सी एल गैस का सोल्यूशन बनाओगे तो इट विल डिसोशिएट इन टू द आयंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में एड करना होगा एंड दिस विल बी लाइक दिस तो दिस इज द एनथेलपी ऑफ सोल्यूशन दैट वी वॉन्टेड टू फाइंड आउट अब ध्यान दो एंथेल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया तो डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन फॉर्मूला तो वही है एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स और यू नो एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस इज जीरो एच प्लस का डेल्टा एच एफ नॉट पढ़ चुके हो क्या था वो एच प्लस एक्वस का जीरो इट इज असाइंड जीरो वैल्यू तो जीरो प्लस सीएल माइनस का डेटा कितना है

लाइक so सोल्व like तो इस क्वेश्चन में आपने क्या यूज़ किया? Of of H assigned, समझे हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कॉन्फिडेंस के हिसाब से तो आप क्वेश्चन कर सकते हो तो यह था इंपॉर्टेंट एनथेलपी ऑफ हाइड्रेशन एंड एनथेलपी ऑफ सोलूशन लेक्चर केयरफुली पढ़े सभी स्टूडेंट्स That's it for now.